अपने शहर राजधानी रांची में माँ दुर्गे का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और रांची के पुराने विधानसभा भवन के पास जो है वो राम लल्ला समिति के द्वारा जो है वो भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। इस बार जो पंडाल का स्वरूप बनाया गया है वो अयोध्या नगरी की विश्व प्रसिद्ध राम लल्ला की जो मंदिर है उसका स्वरूप दिया गया है। लगातार जो सदस्य हैं वो बीते कई दिनों से अथक प्रयास कर रहे थे ताकि एक भव्य पंडाल का जो है वो निर्माण किया जा सके। बेहद आकर्षक बना हुआ है आपका जो ये पंडाल है, क्या तैयारियां है पंडाल में? पंडाल में तैयारी आज उद्घाटन हो गई राज्यपाल महोदय से, शाम को मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन होगी, उसके बाद से लगातार 12 तारीख तक पट खुला रहेगा दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी लोग के लिए। और मैं एक दावा करता हूं कि झारखंड बिहार उड़ीसा बंगाल में नंबर 1 पंडाल है और इसके मुकाबले में कहीं नहीं है। जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं गए हैं वो यहाँ साथ मैंने दम दर्शन कर सकते हैं अयोध्या का। बिल्कुल, इस भव्य पंडाल का जो निर्माण किया गया है कितने दिनों की मेहनत लगी, कहां से ये कारीगर आए थे, क्योंकि बेहद आकर्षक लग रहा है। शायद यही कारण है कि राजधानी रांची ही नहीं दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग हैं, मां के जो भक्त हैं, वो पहुंच रहे हैं और इस ऐतिहासिक खूबसूरत पंडाल की जो सेल्फी है वो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। 500 वर्षों के चीर प्रतीक्षित और प्रयास के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला बैठे और उनका लोग लाखों के संख्या में लोग उनका दर्शन किया। आज दशहरा के अवसर पर श्री रामलला पूजा समिति के तत्वाधान में हमारा उन्हीं का प्रतिरूप जो अयोध्या में जो बना है उसका प्रतिरूप हम लोग यहाँ स्थापित करने का कार्य किए हैं, जिसके अध्यक्ष अशोक चौधरी जी हैं और सचिव कुणाल आजमानी जी हैं। इसमें करोड़ों रुपया का लागत लगा है और 45 दिन लगभग 100 कारीगर इसमें कार्यरत रहे और 45 दिन कार्य करने के बाद आज है सो साक्षात अयोध्या के श्री राम मंदिर का भव्य प्रारूप तैयार हुआ, जिसमें सामने श्री राम लला जी आज बैठे हुए हैं। आज 10:30 बजे हमारे यहाँ माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया और माता दुर्गा जी का आज पट खुल गया। और मैं यहाँ के श्रद्धालुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो अयोध्या नहीं गए हैं दर्शन कर पाए हैं वह यहाँ आए और भारी संख्या में यहाँ आकर और रामलला का दर्शन करें, माता दुर्गा का दर्शन करें और ऐसा लग रहा है मानो कि यहाँ साक्षात राम जी हमारे झारखंड नगरी के रांची में पधार गए हैं और आकर इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल, जो लोग पवित्र नगरी अयोध्या नहीं गए हैं, रामलला के इस भव्य जो है वो मंदिर का दर्शन नहीं कर सके हैं, क्या आग्रह करेंगे वैसे श्रद्धालुओं से? मैं दर्शनार्थी को बोलूँगा कि हमारे श्री राम लला पूजा समिति द्वारा आयोजित अयोध्या का जो रूप दिया गया है आके यहाँ दर्शन करें। बहुत भव्य पूजा हो रहा है, झारखंड बिहार उड़ीसा बिगेस्ट बोलिए उसको, बहुत बड़ा ही ऑर्गेनाइज किया गया। आज उसका उद्घाटन हुआ राज्यपाल के द्वारा, सारे कमेटी के लोग का सहयोग रहा और करीब 35 दिन हम लोग को इस ऑर्गेनाइज करके इसको रूप देने में लगा। बिल्कुल, राजधानी रांची की बात करें, अपने शहर की बात करें तो यहाँ पर दुर्गोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार जो है वो नवरात्र के तीसरे दिन जो है वो पंडाल का पट खोल दिया गया है ताकि लोग पहुंचे, माँ का अलौकिक मूर्त का दर्शन करें और इस भव्य रामलला के मंदिर का जो है वो दर्शन कर सके। उसके अलावा हमने देखा कि आसपास जो है वो मेला लगाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आए अपने परिवार के साथ अलौकिक इस मूर्त मंदिर का दर्शन करें और दुर्गोत्सव का जो एक खुशी का त्यौहार होता है वो भी इस मेले के माध्यम से मना सकें। पहले तो मैं सभी अपने रांची वासियों झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। जैसे कि प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद हमारे यहाँ देश में मंदिर बने अयोध्या में, वही प्रारूप दे करके हम लोग यहाँ पंडाल बनवाए हैं और इतनी खूबसूरती के साथ हूबहू बनवाने की कोशिश किए हैं। ये जो कारीगर हैं हम लोग बंगाल कलकत्ता से बुलवाए हैं और हम लोग यही कोशिश किए हैं कि जो मंदिर अयोध्या में बने हैं सेम वही रूप हो, सब चीज़ हम लोग वही देने की कोशिश किए हैं। आज 2 सप्ताह से लगभग हम लोग सब कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और ये पंडाल 12 तारीख तक रहेगी और हम लोग चाहते हैं कि राजधानी रांची
ही राजधानी झारखंड की राजधानी रांची की नहीं बल्कि अदर स्टेट से बिहार से उड़ीसा से भी लोग यहाँ देखने आए, क्योंकि जो ये पंडाल बनी है ये हमें लगती है कि इस बार इस साल पूरे ऑल ओवर इंडिया के सबसे खूबसूरत सबसे बड़ा पंडाल है ये और बहुत ही आकर्षक केंद्र है। और हमारे जितने भी लोग हैं जितने भी श्रद्धालु हैं उन लोग को यहाँ खींचने की कोशिश करेगी और ये इतना प्यारे प्यारे झूला और सब चीज़ देख रहे हैं जो लगा हुआ है ताकि लोग आए और मेला का आनंद उठाएं। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए कि प्रभु श्री राम के जो परम भक्त हैं बजरंगबली हनुमान जी वो भी इस विराजमान हैं। राम जी का जब स्थापना हुआ तो उसके माननीय भक्त परम भक्त हनुमान जी कैसे पीछे रह सकते हैं। रामलला का जो यहाँ मूर्ति स्थापित किया गया तो साथ ही साथ मुख्य आकर्षण का केंद्र 32 फीट ऊंचा हनुमान जी का यहाँ प्रारूप किया गया है जो कि 3D से आकर्षित है, जो तीन ओर से नजर आएगी जिसका भी लोग दर्शन करेंगे। बिल्कुल, इस बार बेहद आकर्षण का केंद्र होने वाला है श्री राम लला पूजा समिति के द्वारा निर्मित भव्य राम मंदिर का यह स्वरूप और मां की अलौकिक मूरत। शक्ति की देवी मां दुर्गे की आराधना राजधानी रांची में बड़े ही भव्य और धूमधाम से मनाई जाती है। फिलहाल इस बार की अगर अब बात करें तो नवरात्र के तीसरे दिन ही श्री राम लला पूजा समिति के द्वारा जो भव्य राम लला मंदिर का निर्माण किया गया है उसका पट आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। आप देखिए कि जैसे ही पुराने विधानसभा के इस मैदान में आप पहुंचेंगे सबसे पहले राम लला के इस भव्य मंदिर की जो है वो आप अवलोकन कर सकते हैं। इस मंदिर के सबसे आगे जो है वो प्रभु श्री राम के सबसे बड़े सेवक और प्रभु राम को अपने दिलों में बसाने वाले बजरंग बली के दर्शन आपके होंगे। उसके बाद जैसे ही इस मंदिर में आप प्रवेश करेंगे आपको प्रभु श्री राम का दर्शन जो है वो करने को मिलेगा, खासकर वो लोग जो कि अयोध्या नगरी के विश्व प्रसिद्ध अयोध्या धाम नहीं गए हैं उन्हें एक बार इस पुराने विधानसभा परिसर के प्रारूप मंदिर में जरूर आना चाहिए। देखिए बीते कई दिनों की मेहनत के बाद जो कोलकाता से कारीगर पहुंचे थे उनके द्वारा जो है वो भव्य राम मंदिर का जो है वो निर्माण किया गया है। करीब 100 से ज्यादा कारीगरों की अथक मेहनत के बाद जो है यह भव्य राम लला का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अब बेहद आकर्षण का केंद्र खासकर राजधानी रांची वासियों के लिए और इस पंडाल का अवलोकन करने के लिए न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि राज्य भर से पड़ोसी राज्य से भी जो मां के भक्त हैं जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। वहीं इस पंडाल में मां देवी की अलौकिक अद्भुत जो है वो प्रतिमा स्थापित की गई है जो कि मां के भक्तों को अपने ओर लगातार आकर्षित कर रहा है। आप देखिए कि सुनहरे कलर का जो यह प्रतिमा है वो बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है लोगों के लिए मां के भक्तों के लिए। राम मंदिर गए हैं दीदी आप? नहीं गए हैं, टीवी उबी में फोटो वोटो में देखे थे। आज जब यहाँ पहुंचे हैं और इसी तरह का राम मंदिर अयोध्या नगरी में बना हुआ है देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप गए हैं भैया राम मंदिर? नहीं भैया नहीं। तो आज तो राम मंदिर का दर्शन हो गया? हाँ हो गया। कैसा लग रहा है देख के? अद्भुत सुंदर। अद्भुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल, कुछ और माँ के भक्त हैं उनसे बात करते हैं। दादा गए हैं राम मंदिर? राम मंदिर तो अयोध्या कभी नहीं गए हैं, विचार था मगर नरेंद्र मोदी ने एक भव्य मंदिर बनाया गुजरात में, दूसरा अयोध्या जी में और तीसरा ये रांची में देखने के लिए मिला है। हम बिहार से हैं, सहरसा जिला से मदन शर्मा। हमको देख के वैसे हम राम कृष्ण का भक्त हैं, मैं कलाकार भी हैं, हारमोनियम आर्गन बजाते हैं। देख के हमको दर्शन हुआ, शांति मिला। इधर मान लिया राम मंडप पहुंचते घुसते हुए मान लिया उसका रामलला का दर्शन हुआ, तब माता दुर्गा जी का दर्शन हुआ और एक दो घंटा से हम यहाँ पर घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पंडाल के बाहर प्रभु श्री राम के जो सबसे परम भक्त हैं जी हनुमान जी भी खड़े। हाँ हाँ, हनुमान तो ये कलयुग काल में सबसे बन लिए कष्ट को हरने वाला ये हनुमान जी है, राम का भक्त है। तो कितना गर्व महसूस होता है 500 साल के बाद
अयोध्या के इस पवित्र नगरी में रामलला का प्रतिमा और रामलला का भव्य मंदिर बना, आज उसी का प्रारूप जो है वो रांची में बनाया गया। जी बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो हम लोग तो कभी नहीं सोचे थे इस तरह के मंदिर देखेंगे, आज यहाँ पर देख लिए रांची में आके। जी बिल्कुल, बेहद आकर्षण का केंद्र। और देखिए कि जो पूजा समिति के द्वारा माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है, अलौकिक यह प्रतिमा, मानो माँ दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद दे रही हो कि वो सुखी से रहे, शांति से रहे, और माँ का यह आशीर्वाद पूरे राज्य पर इसी तरह से बना रहे ताकि अपना राज्य झारखंड जो है वो खुशहाल रहे। अपने सहयोगी सुशील के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज रांची।